आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह हम लोग को अगर किसी मेथड को एक क्लास की तरह बिलोंग करने वाला बनाना है तो कैसे बनाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्टैटिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगली जो रैपल बनने वाली है और अगला जो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है वो है स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 81_static_methods। ठीक है, क्या होते हैं स्टैटिक मेथड्स देखते हैं। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैटिक मेथड्स की ज़रूरत क्या है। कभी कभी हमें कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं और हमें कुछ ऐसे फंक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं जो कि क्लास का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एकदम एक नई क्लास बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास एनिमल। ठीक है, और मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल बहुत रखना चाहता हूँ इसको, इसलिए मैं दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम लिखता हूँ और उसी के साथ साथ मैं मान लो लिखता हूँ वॉक, और ये करने के बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एनिमल इज़ वॉकिंग। ठीक है, एनिमल, और इसके बाद यहाँ पर मैं नाम भी लिख सकता हूँ उसका, दिस डॉट नेम प्लस डबल कोट इज वॉकिंग। ठीक है, तो इस तरह के काम किए जा सकते हैं, ये हम सबको पता है। मान लो मैं चाहता हूँ कि इसके नाम को मैं कैपिटलाइज करूँ, जैसे कि मान लो किसी ने बना दिया जे इज इक्वल टू न्यू एनिमल और उसके बाद जे डॉट वॉक, किसी ने ये मेथड चलाया और इसको अलर्ट कर देते हैं। यार अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कंसोल ना खोलना पड़े, वैसे अलर्ट आप लोग मत करना यूज़। ठीक है, देखो एनिमल अनडिफाइंड इज वॉकिंग लिख कर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पास नहीं किया नाम इसका, तो इसका नाम पास करते हैं और मैं इसका नाम जैक रख देता हूँ एनिमल का। ठीक है, और मैं इसको रिलोड करूँगा जब एनिमल जैक इज वॉकिंग लिख कर आ रहा है, नो सरप्राइजेज देयर। ठीक है, और सरप्राइजेस एक्सपेक्ट भी मत करना आप लोग, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नया क्या है यहाँ पर, नया ये है कि अगर मान लो किसी ने इस तरह से जैक लिखा तो यार ये थोड़ा सा अगली लग रहा है, लेकिन लोग आकर, एक्चुअली ये अभी सेव नहीं हुआ है, अब सेव हो गया, एनिमल जैक इज़ वॉकिंग, ये यहाँ पर थोड़ा सा अगली लग रहा है। और मैं अगली क्यों कह रहा हूँ उसको, अगली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैक का जे कैपिटल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि जैक का जे एक्चुअल में कैपिटल हो जाए, तो मैं एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कैपिटलाइज, लेकिन इसका जैक से कोई मतलब नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि ये दिस को यूज़ ना करे। ठीक है, तो मैं एक स्टैटिक मेथड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ और बाद में फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रीयूज़ भी कर सकूँ। ठीक है, तो मैं इसको स्टैटिक मेथड बना सकता हूँ। ऐसा क्यों किया गया लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न नेम डॉट कैर एट और ज़ीरो। ठीक है, नेम डॉट कैर एट ज़ीरो डॉट टू अपर कर देंगे और प्लस करेंगे नेम डॉट, अब नेम क्या है, नेम वो स्ट्रिंग जो कि इसको पास की गई है, नेम डॉट सब str और मैं करूँगा 1 से लेके एंड तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम डॉट लेंथ। यार सब str का सिंटेक्स मैं भूल गया हूँ और मैं ये बात बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं रटने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, सब str js, सब स्ट्रिंग होता है क्या, सब str होता है जावास्क्रिप्ट में। मैं इसको खोलूँगा और यहाँ पर आप देखो str डॉट सब str 1 to 2, ये क्या दिखाएगा, वन इंडेक्स से शुरू करता हुआ एंड तक कवर करेगा। ठीक है, मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं पता है क्या प्रेफर करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रेफर कुछ इस तरह की चीज़ करता हूँ। मैं ज़रा कैपिटलाइज को पहले चला लेता हूँ और मैं कैपिटलाइज को चलाकर ये करने के साथ साथ मैं यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दूंगा। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट फंक्शंस दैट बिलोंग टू अ क्लास एज अ होल एंड नॉट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये पूरी क्लास को बिलोंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ पर अभी रीलोड करूँगा तो ये कह रहा है कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइंड, बट अगर मैं यहाँ पर एनिमल डॉट कैपिटलाइज लिख दूँ तो क्योंकि ये क्लास को बिलोंग करते हैं ये मुझे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, कह रहा है कि कैर एट डॉट टू अपर केस इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने यहाँ पर कैर एट ज़ीरो लिखा टू अपर केस। ठीक है, अभी देखता हूँ, टू अपर इज नॉट अ फंक्शन, नेम डॉट सब SRT लिख दिया यार, मैंने str लिखना था। ठीक है, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। तो अब जो कैपिटलाइज फंक्शन है वो किसका हिस्सा है, वो इस क्लास एनिमल का हिस्सा है और मैं इसको बाहर से भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एनिमल जैक इज वॉकिंग, आप देख सकते हो हमने सही से इम्प्लीमेंट कर लिया है। मैं चाहूँ तो इस कैपिटलाइज को यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एनिमल डॉट कैपिटलाइज को सीधा यहाँ के यहाँ यूज़ कर सकता हूँ कि भाई
जो भी इंसान दे रहा है या फिर उससे भी बढ़िया पता है क्या रहेगा, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ एनिमल का कैपिटलाइज मेथड, और तब भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पर कुछ सिंटेक्स इशू हो गया है, क्या सिंटेक्स इशू है? ओके, अब ठीक है। हाँ, एनिमल जैक इज़ वॉकिंग, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ सबसे बढ़िया जो इम्प्लीमेंटेशन करने का अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऐसे करूँगा। क्यों करूँगा ऐसे? क्योंकि सीधा का सीधा कंस्ट्रक्टर में ही मैंने रैप कर दिया नेम को एनिमल डॉट कैपिटलाइज में। कोई कैसा भी पास कर दे, कैपिटलाइज हो गई निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो दिस डॉट नेम हमेशा कैपिटल होगा। तो इसको मैं रीलोड करूँ, अगर यहाँ पर एनिमल जैक इज़ वॉकिंग लिखकर आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो, और उसी के साथ साथ एनिमल जैक डॉट वॉकिंग आ गया और हमने स्टैटिक मेथड भी बना लिया। तो स्टैटिक मेथड्स आरेंट अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस डॉट नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पर इसको दिस डॉट कर दूंगा तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये कह रहा है दिस डॉट कैपिटलाइज इज नॉट अ फंक्शन। ना ही मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि सिर्फ कैपिटलाइज लिख दूँ यहाँ पर, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकता मैं। कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइन करूँगा मैं, एक्सेस तो क्लास के नाम से ही करूँगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टैटिक मेथड्स जो हैं इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि अगर आप किसी क्लास से एसोसिएट कराना चाहते हैं किसी मेथड को, और आप चाहते हैं कि आप उसको यूज़ कर सकें थ्रू आउट योर प्रोग्राम, या आप लोग अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं इसको कहीं पर और आप लोग यूज़ करना चाहते हैं सिंपली एनिमल के इस कैपिटलाइज मेथड को, तो आप लोग कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक मेथड को क्लास के अंदर डालना भी चाहता हूं और मैं उसके ऑब्जेक्ट्स को अवेलेबल भी नहीं कराना चाहता हूं। मतलब कि अगर आप जे डॉट कैपिटलाइज किया जाएगा और मान लो लिखा जाएगा दिस, और या फिर दिस ए लिखा जाएगा, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर कर दूँ तो क्या ये चलेगा? तो मैं आपको रिलोड करके दिखाता हूँ कि ये एनिमल जैक इज़ वॉकिंग और फिर जे डॉट कैपिटलाइज इज़ नॉट अ फंक्शन, आप नहीं चला सकते ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डजेंट वर्क, ठीक है, दिस डजेंट वर्क, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई ये सारी चीज़ें, स्टैटिक मेथड क्या होता है। अगर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है किसी ने भी, तो ज़रूर करें एक्सेस, या क्लिक करके बुकमार्क कर लें इसको, और या क्लिक करके सेव कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब वॉच करेंगे इस प्लेलिस्ट को और नया वीडियो आएगा, एक तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और उसी के साथ साथ आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में देख पाएंगे। पता नहीं 77th वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा था तो शो नहीं हो रहा था यहाँ पर, तो इस तरह का भी कोई इशू आता है तो आप मुझे बताना। वीडियो पेज पर शो नहीं कर रहा था, प्लेलिस्ट में शो कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा था। बट अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मुझे बता दिया करो यार, ताकि मैं फिक्स करूँ उसको। अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं फिक्स कैसे करूँगा, ठीक है। तो ज़रूर बताया करो मुझे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।